नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा अधिकारी के पदों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये जो वैकेंसी है वो वोकन इंटरव्यू के आधार पर होगी और वोकन इंटरव्यू है वो 8/4/2020 को होने वाला है और ये वैकेंसी होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस की। इसमें अगर अपने बात करते हैं तो चिकित्सक की 2 पोस्टें हैं, चिकित्सक 6 एवं वक्स तथा सामान्य मेडिसिन की 2 पोस्ट हैं और नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो टोटल 8 पोस्ट हैं। एज की जो गणना है वो 4/4/2020 को आधार मान के की जाएगी। उस समय आयु आपकी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पारिश्रमिक की या पेमेंट की बात की जाए तो 44,900 प्लस में जो अन्य आपको TA/DA मिलता है वो आपको मिलेगा। इसके लिए आपके पास 3 साल का जो GNM या फिर 4.5 साल का जो BSc नर्सिंग कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की बात की जाए तो टोटल 4 पोस्ट हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो 20 से 35 साल के बीच में रहेगा। 29,200 प्लस जो अलाउंसेस मिलता है वो आपको वहाँ पर मिलेगा पर मंथ। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए साइंस से, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, या फिर आपने बी फार्मा जो डी फार्मा होता है वो किया हुआ है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका फार्मेसी के रूप में या फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। लैब साइक की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल के बीच में रहेगा और इसके लिए 21,700 प्लस अलाउंसेस जो मिलता है वो आपको पर मंथ मिलेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc होनी चाहिए विद बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी, BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके रूप में है। साथ में अगर आपने DMLT या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अस्पताल परिचारिका के 10 पोस्ट हैं। एज जो क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से 33 वर्ष का रहेगा। पर मंथ जो पेमेंट है वो 18,000 मिलेगी। इसके लिए जो मैट्रिक पास कैंडिडेट्स हैं और हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग जैसे अज्जा हो गए यानी OBC SC हो गए उनके लिए यहाँ पर एज में छूट मिलेगा। जो अनुभवशील कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो इंटरव्यू की बात की जब वो इंटरव्यू होगा मंडल चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय मंडल अस्पताल लालगढ़ बीकानेर के अंदर, और ये इंटरव्यू होगा सुबह 10 से 12 बजे के बीच में और 8/4/2020 को ये होगा। आपको वहाँ पर 10 से 12 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और नहीं तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवेदन की जो अग्रिम प्रति है या फॉर्म है आप अपने हाथ से लिखकर इसकी ईमेल आईडी दे रखी है या इसके व्हाट्सएप नंबर दिए गए इस पर भेज सकते हैं, या फिर आप रिज्यूम बनाकर भी वहाँ पर भेज सकते हैं। और इसकी जो ईमेल आईडी है और इसके जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में इस नोटिफिकेशन की जो PDF है वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। जब भी आप वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होते हैं तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार के खर्चे की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर कोई भी रिटायर्ड कैंडिडेट से वहाँ पर अप्लाई करता है तो 65 साल उम्र है तो अप्लाई कर सकता है। जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके हस्तलिखित निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट आकार के तथा शैक्षणिक जाति तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छायांकन प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। मूल दस्तावेज आपको साक्षात्कार के समय उपलब्ध करवाने आवश्यक हैं और ये केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है जो 3 महीने के लिए रखी गई है, लेकिन आवश्यकता के पढ़ने पर यह बढ़ाई भी जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और भी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।